चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद केदारनाथ पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार की सुबह मीडिया से भी बातचीत की है। करीब 17 घंटे तक एक गुफा में ध्यान लगाने के बाद उन्होंने सुबह उठकर केदारनाथ मंदिर में पूजा की और पूजा के बाद बाहर निकले पीएम मोदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं आभारी हूँ कि चुनाव आयोग की वजह से 2 दिन ध्यान करने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि मुझे लंबे समय बाद गुफा में ध्यान लगाने का ये मौका मिला है। वहीं इसके बाद पीएम ने बद्रीनाथ पहुंचकर वहां पर भी पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि गुफा में साधना के बाद मोदी मीडिया से भी रूबरू हुए, कहा ईश्वर ने आपको मांगने नहीं बल्कि आपको बता दें कि पीएम ने कहा कि मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता हूं और इस प्रवृत्ति से मैं सहमत भी नहीं हूं। ईश्वर ने आपको मांगने नहीं बल्कि देने योग्य बनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार की सुबह केदारनाथ धाम पहुंचे और वहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर गुफा में भी ध्यान लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भगवान से कुछ भी नहीं मांगता हूं और इस प्रवृत्ति से भी मैं सहमत नहीं हूं। ऐसी जगह पे जाकर के ईश्वर ने देने योग्य उसको जो क्षमता दी वो उसने समाज देवता को देनी चाहिए। और समाज देवता, अध्यात्म देवता, उसका मिलन निरंतर बना रहता है। भगवान शिवजी, भगवान केदारनाथ, बाबा भोलेनाथ न सिर्फ भारत के, पूरी मानव जात के सुख समृद्धि कल्याण के लिए उनके आशीर्वाद बने रहे। मैं आप लोगों का भी आभारी हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि चुनाव में पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वालों पर कितना प्रेशर रहता है और कितना फिजिकल स्ट्रेन भी रहता है और मई जून के चुनाव लेने तो अपने आप में बड़े कठिन होते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग समय निकाल करके यहां पहुंचे, आपके माध्यम से उत्तराखंड को और केदारनाथ को जरूर लाभ होगा कि लोगों को विश्वास बैठेगा भी आप केदारनाथ में। उस आपदा के बाद काफी व्यवस्थाएं हो गई हैं, आप आराम से जा सकते हैं, कुछ समय यहां बिता सकते हैं। तो एक प्रकार से आपके यहां आने से उत्तराखंड को लाभ हुआ।